Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video let's continue our chapter summary, that is motion and measurement of distance. This chapter is in physics. In the last video lecture we understood the summary of some topics like what is motion, what is rest. Then we understood what do you mean by the term measurement, which methods were used by the ancestor for the measurement of the length. Okay, then we understood that why we do not use this ancestor method of measurement. Okay, now moving to the next, let's continue it, that is international standard unit system. Okay, international standard unit system is nothing but in 1572 the all scientists gathered in the France, they just discussed about this complexion of ancestor method. They find out some important solution named as international standard unit system. They decided that let's fix the all physical quantities fix quantity, that is unit. ओके सबके फिक्स, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के एक फिक्स यूनिट हम लोग कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट और शुड आई से स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम. ओके हाँ, फिर उसके छोटे बड़े भाई होते रहेंगे लेकिन मेन चीज हम फिक्स कर लेते कि लाइक लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, मतलब मीटर. फिर अगर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे कि लाइक अगर कोई भी बहुत माइनर चीज मेजर करनी है तो के भाई मिलीमीटर, उससे थोड़ी बड़ी तो के भाई सेंटीमीटर, उससे और बड़ी तो मीटर, और उससे बहुत बड़ी लाइक डिस्टेंस मेजर करना हो एक सिटी से दूसरी सिटी का, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं. सो वो चीज बात की बात है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट है वो फिक्स कर देते और उन्होंने फिक्स किया जो सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और नाउडेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज है उसका यूज होता है. ओके क्या नाम है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम. ओके सो हर रोज के टाइम में, हर रोज मरा की लाइफ में हम लोग मोस्टली थ्री फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं. वो कौन कौन सी तीन फिजिकल क्वांटिटी है, पहली है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम. ओके लेंथ मतलब हम कभी भी कारपेंटर या कंस्ट्रक्शन या कुछ भी करते हैं, इवन कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, सो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, लेंथ, की भाई रिस्पेक्टेड चीज की लेंथ कितनी है. सो वो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. हर रोज हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, सब्जी वगैरह, सो उसके लिए वो चीज का वजन कितना है, उसका मास कितना है वो फाइंड आउट करना हो तो ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम. ओके हाँ, किलोग्राम के भी मैंने बोला वैसे छोटे बड़े भाई होंगे बट ऐसा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम. ओके फिर ऐसी दूसरी चीज है कितने बजे है ना, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी यूज इनसाइड इन अवर डेली लाइफ, उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता ही है, सो उसका ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड. अंडरस्टूड. Now we are moving to the next, that as I told you कि हर एक के फिक्स तो कर दिए हैं उन्होंने ऐसा यूनिट, फिर उसके छोटे बड़े भाई हैं. तो हम लोग ये चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, सो इसलिए हम लोग उसके छोटे बड़े भाई डिस्कस कर लेते हैं. मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट. ओके अगर हमें मीटर से छोटी क्वांटिटी वाली चीज फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि हम लोगों को नोटबुक की लेंथ मेजर करनी हो, या सिंपल हमारे पास जो छोटा सा एक थ्रेड हो उसकी लेंथ मेजर करनी हो, तो मीटर कोई काम का नहीं है. सो उस टाइम पे वी विल गोइंग टू यूज सेंटीमीटर. या फिर कोई भी गैप का मेजरमेंट करना हो तो गैप का मेजरमेंट सेंटीमीटर से भी छोटे में होता है, दैट इज मिलीमीटर. ओके सो ये चीज हमें समझनी है कि मीटर टेप जो होती है उसमें टोटल 100 डिविजन्स होते हैं और एक डिविजन का मतलब होता है एक सेंटीमीटर. सो 1 meter इज इक्वल टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर. वैसे ही सेंटीमीटर की जो स्केल होती है उसमें 0 से 1 centimeter, उसके बीच में टोटल 10 इक्वल divisions होते हैं. सो उसमें जो एक division होता है उसका मीनिंग क्या होता है, 10. ओके उसका मीनिंग होता है 1 millimeter. सो 1 centimeter इज इक्वल टू कितने divisions थे, 10. तो 1 और 1 division का मतलब क्या, 1 millimeter. सो 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeter. ओके और उससे बड़ा अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच,
1000, एक किलोमीटर में टोटल 0 से 1 किलोमीटर में टोटल 1000 डिविजन्स होते हैं, तो एक डिविजन का मतलब होता है 1 मीटर, तो ऐसे 1000 मतलब 1 किलोमीटर, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 1000 मीटर। अब रही बात कन्वर्जन की, क्योंकि हमें सम्स सॉल्व करने हैं, सो हम लोगों ने कन्वर्जन समझा था कि जब भी हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होता है तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करना है। एंड जब हम बड़े और छोटे में से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पे कौन सा यूज करना है, दैट इज डिविजन ऑपरेशन। सो अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, लेकिन अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे में से बड़े में जाना है, तो डिवाइड बाई 100। ओके, ये चीज याद रखना, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कोई भी करे तो करे कैसे। सो कोई भी चीज को मेजर करने के लिए आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है। पहली चीज है दैट इज कि भाई जो मीटर टेप है या जो मेजरिंग टेप है वो आपको देखनी है कि आपको कौन सी चूज करनी है। फिर सपोज अगर आपको कपड़े की लेंथ नापनी हो तो उस टाइम पे फिर आपकी जो छोटी सी स्केल है वो नहीं चलेगी, उस टाइम पे आपको मेजरमेंट टेप चाहिए, ठीक है। फिर डिस्टेंस मेजर करना हो तो फिर आपकी कपड़े नापने वाली मीटर टेप नहीं चलेगी, उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए जो लेंथ मेजर करता है, क्लियर। सो जो भी अननोन क्वांटिटी है उससे बड़ी साइज की आपको क्या लेनी है, मेजरमेंट टेप लेनी है, फिर चाहे वो स्केल हो, मेजरमेंट टेप हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये पहला स्टेप है। ओके, अब दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज कि भाई अगर सपोज वो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, करेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। ओके, हमें स्केल को ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पैरेलल में लाइन टू लाइन अरेंज करना है। फिर अगर हम उसको ये इनकरेक्ट मेथड, ये देखो अगर उसको स्केल को टेढ़ी मेढ़ी रखेंगे तो क्या आपको ये ब्लॉक का सही मेजरमेंट मिलेगा, नो। सो ऑलवेज कीप योर स्केल एग्जैक्ट पैरेलल टू योर ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट लाइन में ये लाइन टू लाइन होना चाहिए, जरा से भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट मे गिव यू एरर। नेक्स्ट स्टेप इज दैट सपोज फॉर एग्जाम्पल हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, ये लास्ट पॉइंट में रह गया, सपोज ये यहाँ पे जीरो इमेजिन कर लो, सो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए जीरो से, यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर फर्स्ट। ये कब कर सकते हैं, जब आपके पास सर्कमस्टेंसेस हो कि सपोज ये पोर्शन टूटा हुआ है, आपकी रूलर जीरो से पहले ही टूटी हुई है, सो उस टाइम पे अगर आप वो टूटे हुए से काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। सो इसलिए उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, सपोज ये वन है वो अच्छी कंडीशन में है, तो यहाँ से स्टार्ट करो अप टू लास्ट तक जितना रीडिंग आता है। फिर क्या करना है आपको, एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब 6 माइनस 1, सो ब्लॉक का लेंथ कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। ओके, सो ये चीज याद रखनी है, बड़ी मेजरमेंट टेप लेनी है, सेकेंड आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और एग्जैक्ट पैरेलल स्केल रखनी है ब्लॉक के साथ। तीसरी चीज दिमाग में रखनी है कि बाई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अगर आपकी रूलर टूटी हुई है तो आप एक पर्टिकुलर फाइन पॉइंट से शुरू कर सकते हैं अप टू द एंड पॉइंट, फिर आपको क्या करना है, एंड पॉइंट माइनस इनिशियल, सो जो सब्ट्रैक्शन से वैल्यू मिलती है वो एग्जैक्ट लेंथ हुई रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरेलैक्स एरर। ओके, आप यहाँ से देख रहे हो, हमेशा आपकी जो रूलर है वो एग्जैक्टली पैरेलल टू योर आईज होनी चाहिए, फिर अगर आप ऐसे देख रहे हो, टेढ़े देख रहे हो, तो आपको रीडिंग है वो गलत मिल सकता है। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो पेंसिल है उसकी लेंथ है 10.5, अगर आप पैरेलल देखें तो, लेकिन अगर आप टेढ़ी मेरे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 11 सेंटीमीटर की हो गई, गलत दिखा रहा है रीडिंग, इधर देखो 10 सेंटीमीटर की है, गलत दिखा रहा है रीडिंग, सो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। सो हमेशा आईज एंड रूलर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल। ओके, फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा सीधा रख रहे हैं लेकिन अगर आप रूलर को ऐसे टेढ़ी रख रहे हैं, सो यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट। सी, यू कैन सी ओवर हियर है हमारी पेंसिल 10.5 सेंटीमीटर की, इधर दिखा रहा है 11 सेंटीमीटर, विच इज कम्प्लीटली
रॉन्ग. सो प्लीज बेटा कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. ओके, सो आई होप यू गेट इट दैट हाउ यू हैव टू मेजर वेन एवर एनी लेंथ मेजरमेंट टास्क विल बी गिवन टू यू. ओके, प्लीज रिमाइंड दिस फोर स्टेप्स. टेक larger measurement device. Second, always start from zero and keep your ruler to parallel line. Third thing you have to keep in mind that if any ruler is broken, then you can start from the other point, like 1 centimeter or 2 centimeter or likewise, and then you have to subtract it. Whatever the value you will get, that is your exact length of your respected object. And the fourth one is always keep your eye parallel to your ruler so that you can get exact result. Okay, if you are not doing this parallel, if you are not keeping the ruler parallel to your eyes, then it will create an error named as parallax error. Okay, now last but not the least that we understood, that is how to measure curved line. कोई भी curved line को अगर measure करना हो तो क्या कर सकते हैं. So उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है कि suppose कोई भी curved object हो या curved line हो ऐसी drawn, तो आपको क्या करना है, एक thread ले लेनी है. उस thread को start करो, initial point पे रखो और आप thumb pin से उसको fix कर दो. फिर धीरे 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 जैसे आपका कर्व्ड ऑब्जेक्ट है वैसे वैसे अच्छे से उसको जाते जाओ और वो थ्रेड पे भी मार्क्स बनाते जाओ और थंपिंग से उसको फिक्स करते जाओ ताकि वो शेप है वो थ्रेड का चेंज ना हो, जिसकी वजह से मेजरमेंट में कोई गलती ना आए. ओके, जब आपका इतना कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एंडिंग पॉइंट तक जब आप पहुंच जाओ तब यहाँ पे जाके भी थंब पॉइंट से पिन आउट कर लो, पिन अप कर लो एंड मार्क कर लो, और उसके बाद बाकी की जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको सीजर से कट कर दो. वंस इट इज डन देन जस्ट टेक आउट योर थ्रेड. ओके, लाइक इन अ मैनर. वंस इट इज डन फिर आपको क्या करना है, आपको मिल गया पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. उसको आपको कंपेयर करना है विद द रूलर. स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कीप ऑल द पॉइंट्स विच वी हैड जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू मेजर. सो जीरो से स्टार्ट करो, पैरेललिटी ऑब्जर्व करके उसको एंडिंग पॉइंट तक स्ट्रेच करो प्रॉपरली. एक्सेसिव स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मली उसको स्ट्रेच करना है ताकि वो जाके अच्छे से रिजल्ट दिखाए. एंड लास्टली यू विल गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट. ओके, जैसे कि ये थ्रेड के अंदर है कि 24.8 सेंटीमीटर उसका फाइनल रीडिंग. तो वो जो कर्व्ड लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसका मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड जब हमने किया, तो हमें पता चला कि वो जो कर्व्ड लाइन है उसका मेजरमेंट कितना है, 24.8. ओके, क्लियर, आई होप यू गेट इट. सो ये पॉइंट पे हम लोग हमारे चैप्टर का समरी का मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एज वेल मेजरमेंट ऑफ लेंथ का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग समझेंगे नोट्स एज वेल एज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन बाकी है अभी भी. सो टाइप्स ऑफ मोशन समझेंगे एंड नोट्स एक बार चेकआउट कर लेंगे. ओके, सो टिल देन जस्ट स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय.